हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। आओ आज इस वीडियो में अपने अंत का जो कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो आपका विषय है उसकी जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई का जो दूसरा बिंदु है छंद, छंद पर चर्चा चल रही है। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने छंद का अर्थ है, परिभाषा है, उससे जुड़ी हुई अन्य जो बातें हैं उनके बारे में बताया है, यानी उनसे संबंधित अध्ययन है वो आपको करवाया है। अब इस वीडियो में अपने मूल छंदों पर आ रही है। उससे पहले छंदों के प्रकार है वो हमने पढ़े हैं, यति, गति, चारण जैसे बहुत सी चीजें हमने पढ़ी है। अब मूल जगह पर आ रही है। अब जो आपके पाठ्यक्रम में तय है, निश्चित है, निर्धारित किए गए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो जो छंद आपके पाठ्यक्रम में शामिल है उन पर अपने आज की चर्चा रहेगी। आपके पाठ्यक्रम में जो छंद है, गीतिका, हरिगीतिका, टप्पे, कुंडलियां, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित, सवैय, ये कुल 8 छंद है। यद्यपि मैंने पूर्व की वीडियो में इनके बारे में बताया है कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से हैं, तो पुनः एक बार आप ध्यान दीजिए बेटा, छंद जो आपके पाठ्यक्रम में है मैं वो बता रहा हूं। कौन कौन से छंद हैं वो ध्यान देना, देखना। गीतिका, गीतिका, हरि गीतिका, टप्पे, कुंडलियां, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, कवित, तो भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कुल आपके पाठ्यक्रम में 8 छंद रखे गए हैं। सबसे पहले आज अपने जो चर्चा करने जा रही हैं, बातचीत करने जा रही हैं, वो हमारा छंद है गीतिका। गीतिका छंद, अब गीतिका छंद कहाँ होगा, इसकी पहचान कैसे होगी, इसके लक्षण क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसकी पहचान की चीजें क्या क्या है, उस पर अपने चर्चा करें। सबसे पहले गीतिका जो छंद है यह सममात्रिक छंद है। क्या है ये? यह सममात्रिक छंद माना जाता है। इसके प्रत्येक चरण में चौदह और 12 पर यति होती है। ध्यान देना बेटा, छंदों को समझने लिए आपको पूरे इत्मीनान के साथ, एकाग्र मन के साथ इन चीजों को ग्रहण करना होगा, सीखना होगा। यह जो गीतिका छंद है यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 पर यति होती है और कुल 26 मात्राएं होती है।
कुल 26 मात्राएं होती हैं। और अंत में लघु गुरु आता है, करण के अंत में क्या आता है, लघु गुरु। लघु गुरु समझे, लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। इस तरह से लघु ये हो गया और गुरु ये हो गया, इस तरह से ये मात्रा रहेगी। फिर दोबारा सुनिए बेटा, गीति का है सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 पर यति होती है, कुल 26 मात्राएं होती हैं, और अंत में इसके लघु और गुरु अंक है। यह है गीति का छंद के लक्षण, इसकी पहचान, इसकी विशेषता। अगर ये लक्षण, ये विशेषता, ये पहचान की चीजें हमें दिखाई दे रही है इसी उदाहरण के अंदर, तो निश्चित रूप से वो गीति का छंद होगा। कौन सा छंद होगा, गीति का। इसका उदाहरण देखिए बेटा, हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ए प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। फिर आगे, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, फिगर सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अगली पंक्ति देखिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने। आगे है, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, ब्रह्म रक्षक धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह है इसका उदाहरण। देखिए, ध्यान दीजिए, हे प्रभो अन्नदाता, हमें यहां, क्योंकि यह छंद कौन सा है, गीति का जो छंद है, यह सम्मात्रिक छंद है, यानी मात्राओं की गिनती की जाएगी, सम समान, सम संख्या के अंदर इसकी मात्रा है। जैसे कुल कितनी है, 26 बताइए बेटा आपको, 14 12 पर यति बताइए, अंत में लघु। अब हमें मात्रा निकालनी है, मात्रा के द्वारा देखिए, हे बड़ा है गुरु, प्रभो छोटा है एक, प्रभो बड़ा है दो, आनंददाता आ बड़ा आनंद, इसमें आ गया न एस आई, इस तरह से, यानी अंग्रेजी का एस का मतलब है बेटा दो सिर, आई का मतलब है एक सिर, तो एस आई एस, फिर आ का एस,
न का दा इसमें एस, द का इसमें दा एस, ता एस, यानी दो। ज्ञान बड़ा है एस, न एक, हमको है एक, मैं एक को एस यानी दो। दीजिए बड़ा है जीए, छोटी है ए। देखिए बेटा नियम की बात करते हैं, सम मात्रिक समान मात्रा, सम संख्या के अंदर मात्रा होगी, प्रत्येक चरण में 14-12 पर्यति होगी। 14-12 पहले देखते हैं, 2 1 3 और 2 5, 2 7 2 9 और 1 10, 2 12 और 2 14, यहां 14 मात्राएं बन रही है। पहले यति आ गई, दूसरी 2 3 4 5 2 7 और 2 9 1 10 और 2 12, ये कर्म पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 14 और 12 पर यति, यहां पहले में 14 और दूसरे में 12, कुल मात्राएं 14 प्लस 12 बराबर कितनी हो गई 20। कुल मात्राओं की संख्या मैंने आपको कितनी बताई है इसमें 26। और एक और पहचान, अंत में लघु गुरु, अंत में क्या रहा बेटा, लघु गुरु, लघु छोटा, एक गुरु बड़ा, ये इसकी पहचान। ये सभी के अंदर इसी तरह से रहेगा, जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, अभ्यास करते जाओगे, यहां भी 14 और 12 प्रयति होगी और कुल 26 इसकी मात्राएं। एक पंक्ति मैंने आपको बता दी है, देखिए बेटा जहां स्वर छोटे हैं उनके लिए एक आएगा, स्वर बड़े हैं तो 2 आ जाएगा, ह्रस्व है तो 1, दीर्घ है तो 2। एक के लिए अंग्रेजी का आई लिखते हैं और 2 के लिए अंग्रेजी का एस। हिंदी के अंदर इस एक को इसका मतलब 1, इसका मतलब 2। अंग्रेजी के, हाँ हिंदी के अंदर जो इसको खड़ी पाई बोलते हैं बेटा, और इसको पड़ी पाई बोलते हैं। हालांकि ये चीजें मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ध्यान देना इन चीजों के ऊपर। पूर्व के अंदर जो बातें बताई थी बेटा मैंने आपको, यति है, गति है, चरण है, ये चीजें अब इनकी जरूरत पड़ रही है। बोल रहे हैं हम चरण, अब पहले हमने पढ़ लिया है तो अब यहां कोई परेशानी नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ये कौन सा छंद है बेटा, गीति का छंद, कौन सा छंद है, गीति का छंद, समझ गए होंगे बेटा। अब अपने इससे अगले छंद पर बात करते हैं। दो नंबर की टीका के बाद में हरी की टीका, बहुत ही आसान है इस छंद को भी सुनना। अब देखिए बेटा गीतिका जो छंद था उसमें कुल 26 मात्राएं थी, 14 और 12 पर्यति थी। हालांकि यह छंद भी सम्मात्रिक छंद है बेटा, यह कौन सा है, पहली बात यह सम्मात्रिक छंद है। पहले छंद में गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं थी, 26 मात्राएं, और यहां कुल कितनी मात्रा होगी। यह गीतिका इससे पहले 2 वर्ण आ गए हैं बेटा, इसका मतलब 2 मात्राएं और बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले में गीतिका में कुल 26 मात्राएं थी, हरी शब्द आगे जुड़ गया, हरी शब्द के आगे जुड़ते 2 मात्रा और जुड़ गई है। अब 26 की जगह यहां ध्यान देना कितनी मात्रा आ जाएगी, 28, कुल 28 मात्राएं होगी बेटा इसमें, कितनी मात्रा होगी 28 होगी। यति पहले में 14-12 पर थी, लेकिन यहां यति किस पर होगी, अब 14-12 की जगह 16-12 हो जाएगी, क्योंकि गीतिका से पहले हरि जुड़ा है तो यति किस पर होगी, 16 प्लस 12 यानी 14 की जगह 16 पर यति होगी। पहले यति गीतिका में
14 12 पर थी और यहां ये थी किस पर होगी बेटा 16 12 पर होगी। और अंत में जैसे गीतिका के अंदर लघु गुरु आया था वही लघु गुरु यहां आएगा। चरण के अंत में लघु गुरु, ये इसकी क्या हो गई है, पहचान हो गई। ऋगीतिका जो संत है यह सम्मात्रिक संत है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु होता है। अगर ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं किसी रचना में छंद में, इसका मतलब वो कौन सा है, हरि गीति का संत। उदाहरण देखिए बेटा आगे, उदाहरण के द्वारा ये चीज समझ में आएगी। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो। अगली पंक्ति है, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। अगली पंक्ति, जीते हुए भी मृतक सम रहे, जीते हुए भी मृतक सम रहे, कर्ण केवल दिन भरो, कर्ण केवल दिन भरो, जीते हुए भी मृतक सम रहे, कर्ण केवल दिन भरो। और अगली पंक्ति है, वर वीर बनकर आप अपनी, वर वीर बनकर आप अपनी विविध बाधाएं हरो, विविध बाधाएं हरो। अब देखिए बेटा ये उदाहरण आपके सामने है, अब हमें मात्राओं के द्वारा मात्राएं लगा करके इसको पहचानना है कि ये वास्तव में हरि गीतिका है या नहीं है, या इस हरि गीतिका के जो लक्षण बताए हैं क्या वो यहां है या नहीं। इसकी ध्यान देना, संसार ऊपर अनुस्वार है बेटा, इसलिए गुरु दो, आ है गुरु, र एक, की दो, समर आई आई आई, स्थले देखिए बेटा, संसार की समर स्थली आधा है इसमें जुड़ गया गुरु, ले बड़ी है में बड़ा, वीरता वै को बड़ी की मात्रा है, बड़ा स्वर है गुरु, धारण है एस, करो गिनती कीजिए बेटा, दो और दो चार और एक पांच, दो सात आठ नौ दस, दो बारह, दो चौदह, दो सोलह, दो अठारह, उन्नीस, दो इक्कीस, दो तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस और दो अट्ठाईस,
कुल मात्राएं 28 आ गई बेटा। अब हमें देखनी है यति, वो है 16 बारह देखनी यति, दो और दो चार और एक पांच, दो सात आठ नौ दस, दो बारह, दो चौदह, दो सोलह। ये यहां पर ये कोमा लगा हुआ है, इस चरण के अंदर 16 है। आगे दो और एक तीन, दो पांच, दो सात आठ नौ दस और दो बारह, मतलब 16 प्लस 12 बराबर कितनी हो रही हैं? 28। इसका मतलब 16 और 12 यति, 16 12 मात्राओं पर यति भी आ रही है और कुल 28 मात्राएं भी हो रही है। और अंत में लघु गुरु है, अंत में ये रहा बेटा लघु गुरु आ रहा। तो इसका मतलब हुआ कि यह छंद कौन सा है? हरि गीति का। कौन सा छंद है ये? हरि गीति का। आप प्रत्येक पंक्ति में इस तरह से छोटे बड़े की पहचान करके, लघु गुरु लगा करके, और इस प्रकार से आप हरि गीति का छंद है उसकी पहचान कर सकते हैं। न्याय होगा बेटा। अब गीतिका के बाद में हरि गीतिका हुआ है, और हरि गीतिका के बाद में आगे छप्पे छंद के बारे में बात है। छप्पे छंद देखिए बेटा, कोई भी छंद है उसको याद करने से पहले, स्मरण करने से पहले हमें उसके लक्षण, उसकी पहचान, उसकी विशेषताओं आदि का पता होना चाहिए। गीतिका भारी गीतिका दोनों ही सममात्रिक छंद, और छप्पे जो छंद है यह मात्रिक विषम छंद है। मैंने आपको पूर्व में करवाए हैं, ध्यान देना बेटा, उनमें सम विषम और अर्ध। तो छप्पे है ये मात्रिक विषम छंद है, छप्पे जो है मात्रिक विषम छंद है। इसके अलावा यह छप्पे जो छंद है यह दो छंदों के मेल से बना है। इससे बना है दो छंदों के मेल से, जिसमें रोला और उलाला, यह है दो छंदों के मेल से बना है, जिसमें रोला और उलाला दो छंद आते हैं। मतलब जो छप्पे छंद है इसमें पहले जो पंक्तियां दो होगी वो तो होगी रोला छंद की, और बाद वाले जो दो पंक्तियां होगी वो होगी उलाला छंद की, दो छंदों के मेल से। अब इसका मतलब हुआ कि पहले पंक्तियों के अंदर रोला छंद के लक्षण है वो होंगे, और बाद वाली पंक्तियों के अंदर क्या होंगे? उलाला छंद के लक्षण होंगे। तो यह मात्रिक विषम छंद है। इसके पहले चार चरणों में, यानी क्षमा करना, दो की जगह मैंने चार बताना चाहिए था बेटा। तो पहले जो चार पंक्तियां हैं उन पहले जो चार चरण हैं उनके अंदर रोला छंद, और बाद के दो चरण हैं उनमें उलाला होगा। इसका मतलब छप्पे छंद में कुल छह चरण होंगे, पहले चार और दो बाद के, कितने हो गए? छह कुल चरण। छह होंगे, ये आपको बताया बेटा, ये चार वाला सम और चार से अधिक जहां छह या आठ होंगे वो कौन सा होगा? विषम होगा, ये पूर्व में मैंने बताया है। तो ये छप्पे है ये मात्रिक विषम छंद आता है, क्योंकि इसमें चरण चार से ज्यादा है, छह या आठ भी हो सकते हैं। तो पहले चार जो चरण है वो रोला के है, और शेष दो दो चरण है वो किसके हैं?
गुलाला की। तो इस प्रकार से यह छंद है वो रोला और उलाला के योग से यानी दोनों के मेल से यह छंद बना है। अब इसके पहले चार चरणों में 24-24 मात्राएं, कितनी मात्राएं होती है 24-24, 11-13 पर्यति होती है, 11 और 13 यानी पहले 11 और बाद में 13, 11-13 पर यति, और अंतिम दो चरणों में 28-28 या 26-26 मात्राएं। अंतिम दो चरण किसके हो गए, उलाला के हो गए। ध्यान देना बेटा यहां कि छंद के जो अंतिम दो चरण होंगे उनमें कितनी होगी मात्राएं, 28-28 या फिर 26-26, और यति 15 और 13 पर होगी। यति 15 और 13 पर होगी। इस प्रकार से ये छंद की ये लक्षण है, पहचान है, समझ गए। यह मात्रिक विषम छंद है, इसके पहले चार चरण है वो रोला छंद के हैं और बाद के दो चरण है वो उलाला के है। इस प्रकार से यह छंद है दो छंदों के मेल से बना है, रोला और उलाला। इसके पहले जो चार चरण हैं उनमें 24-24 मात्राएं होंगी, 11 और 13 पर यति होगी, अंतिम दो चरणों में या तो 28 होगी या फिर 26-26 होगी। लेकिन मात्राएं चाहे 28 है चाहे 26 है, यति है वो 15 और 13 पर ही रहेगी। समझी बात। अब आगे देखिए, 28 है, क्षमा करना बेटा, अगर यति 28 मात्राएं 28 है तो यति 15 और 13 पर होगी, 26 है तो यति 14 और 12 पर हो जाएगी। अब उदाहरण देखिए बेटा, आगे इसी से जुड़ा हुआ उदाहरण हम देखते हैं कि उसके उसमें वो लक्षण वो पहचान दिखाई देती है। जैसे पहली पंक्ति है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर। आगे की पंक्तियां, करते अभिषेक पयोध है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही
हे मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये उदाहरण है बेटा हमारे सामने, हमें इसमें लक्षण पहचानने हैं, देखने हैं कि सत्य चंद के जो लक्षण है वो इसमें है कि नहीं है। तो ये मात्रिक विषम संख्या है। इसके पहले चार चरणों में रोला और बाद के दो चरणों में कुल। अब देखिए हम इसकी गणना करते हैं, निकालते हैं। नीलांबर बड़ा है, गुरु बड़ा में आ गया, परिधान परी छोटी, धा बड़ा न हरित, एमे एक, तीमे एक, तैमे तट, पर एक एक सुंदर, इसमें आ गया गुरु एस एस है। देखिए बेटा मात्रिक विषम छंद दो छंदों के मेल से बना है, जिसमें रोला और लाला है, कुल छह चरण है इसके। इसके पहले चार चरणों में 24 24 मात्राएं। अब वो 24 देखते हैं, दो चार दो छह सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और दो, इसमें 24 तो आगे भी 24। इसके पहले चार चरणों में 24 24 11 13 पर यति, यति देखो बेटा दो दो चार दो छह दो आठ दो दस और एक 11 परिधान, 11 13 एक, यहां 11 हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात सात दो नौ दस ग्यारह ग्यारह दो, ये 11 प्लस 13 कितने हो गए 24 हो गए। ये तरीका है 11 प्लस 13, ये 11 13 पर यति आ रही है, कुल 24 मात्राएं आ रही है। तो इसका मतलब पहला क्या है, इसमें रोला है, इसके बाद में अंतिम दो पंक्तियां, ये सब भी में चलेगा बेटा। इसी तरह से आप निकाल करके देखिए, करते अभिषेक इसमें देखो बेटा, क में एक, र में एक, ते दो, ए एक, अभी छोटा एक, एक गुरु लघु पयोद, लघु गुरु लघु है, गुरु बलिहारी लघु लघु हा गुरु, फिर गुरु देश देश, इसके पहले चार चरणों में 24 24 11 13 पर ये थी, अंतिम चरणों में 28 28 या 26 26 और 15 13 पर ये थी। अब 15 13 यति देखो बेटा, एक दो दो चार एक पांच और एक छह, छह दो आठ नौ दस दो बारह, बारह और एक 13, ये 13 हो गया। फिर दो तीन चार दो छह दो आठ दस ग्यारह 13 14 दो सोलह, देखिए बेटा इसके पहले चार चरण 24 11 और 13 पर यति, अंतिम चरणों में 28 28 या 26 26 मात्राएं और 15 13 पर यति। क्षमा करना बेटा, यहां कि यहां पूरा हो रहा है, ठें के बाद मैंने पहले लगा दिया, ये यहां होगा, यहां 13 और 2 ये हो गए बेटा 13। अब आगे दो दो चार दो छह एक सात और एक आठ, आठ दो दस और एक ग्यारह दो 13, 15 प्लस 13 यहां भी 28 यहां भी 28,
तो यहां हम देखते हैं बेटा कि जो छप्य छंद है उसके जो लक्षण है उसकी जो पहचान बताई गई है वो लक्षण सारे के सारे यहां इस उदाहरण में प्रकट हो। तो इस प्रकार से ये छप्य छंद है। समझ गए होंगे बेटा मेरी बात को। देखो बेटा छंदों को समझना है तो आपको बड़े ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनना होगा। छंद ये नहीं है कि केवल आपने पढ़ लिए पुस्तक में और आप सीख गए, नहीं बेटा। इसके लिए आपको मेरी बातों को समझना जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं जानोगे नहीं ये चीजें आपके पल्ले नहीं पड़ेगी बेटा। इसलिए जो भी वीडियो आप देखो छंदों से जुड़ा हुआ तो बड़े ध्यान से रुचि के साथ मनोयोग के साथ उसको देखने की कोशिश कीजिए बेटा। तो ये बेटा तीन छंद हो गए हैं आपके, गीतिका, हरि गीतिका और छप्पे। अगली वीडियो में हम छप्पे के बाद के जो छंद है उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।